उदयपुर पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार युवक ने शराब के नशे में अपने घर के पास में रहने वाले एक कॉन्स्टेबल को अशब्द कह दिए, जिसके बाद कॉन्स्टेबल के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, जिसके बाद कॉन्स्टेबल ने अपनी वर्दी का दुरुपयोग करते हुए युवक की पिटाई कर हिरणमगरी थाने में 151 में बंद करवा दिया, जिसके बाद पीड़ित के परिवार ने दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की। वही वीडियो हुआ वायरल। मेरा नाम पुष्कर बुनकर है, मैं गारियावास में रहता हूँ और मैं ड्रिंक कर रखी थी और मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था तो ओम प्रकाश जी आए थे जिनका घर उस गली में था और वो सूरजपाल थाने के सब इंस्पेक्टर हैं, तो वो मेरे पास में आए थे। उन्होंने बोला यहाँ क्यों खड़ा है, मैंने बोला सर मैंने ड्रिंक कर रखी है, मैं ऐसे ही खड़ा हूँ। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती करने लगे, न्यू बोला इस गली में नहीं आना चाहिए, यहाँ से चला जा, और मुझसे मारपीट करने लग गए, डंडा लेके मारने के लिए आ गए। तो मैं वहाँ से एक बार भग गया, तो फिर पीछे पीछे उन्होंने जाप्ता बुला लिया और मुझे घर के अंदर घुस के बहुत मारा वहाँ पे, और उसके बाद में थाने ले गए, थाने में भी बहुत मारा, थर्ड डिग्री इस्तेमाल किया मेरे साथ में, बहुत सारी चोटें दी सर मुझे। पुलिस के जवानों द्वारा एक युवक के साथ में मारपीट की जा रही, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए अभी आपने ही मेरे से नाम मिलाया और मैं भी देख रहा हूँ और इसको देख के और आइडेंटिफाई करते हुए गलती के खिलाफ एज पर रूल्स कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी।